चिट्टे के वायरल वीडियो को शूट करने वाले युवकों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। इस मामले में गागल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से अजय कुमार गांव गागल, मान सिंह गांव कुम्मी व विवेक चित्रौर और सभी बल क्षेत्र से संबंधित हैं। चिट्टे के वायरल वीडियो को शूट करने वाले युवकों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। इस मामले में गागल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अजय कुमार गांव गागल, मान सिंह गांव कुम्मी व विवेक चित्रौर और सभी बल क्षेत्र से संबंधित हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सरकाघाट क्षेत्र के गांव हवानी पिंगला के रोहित शर्मा द्वारा बल थाना में दर्ज शिकायत में कहा था कि 25 जुलाई रात उसको बग्गी व गागल सड़क पर पूरी रात पैसे की मांग को लेकर कुछ युवकों ने बंधक बनाकर टॉर्चर किया था तथा दूसरे दिन उसके सामने कहीं से कथित चिट्टे की पुड़िया उसको बताते हुए वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने से पहले क्षेत्र के 2 लोगों के नाम लेने पर मजबूर किया था। पुलिस को दी शिकायत में उसने 2 लड़कों जिन्हें वे पहचानता था उनके भी नाम बताए थे। पुलिस ने मामले की गहनता को देखते हुए जिहादी स्टाइल में बने इस वीडियो की गहनता से छानबीन करने के बाद शूट करने वाले युवकों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस इस मामले की सच्चाई जानने में लगी हुई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो शूट करने वाले लड़के युवक से बल के किसी चौधरी का नाम सामने लाने की बात कह रहे थे, तो उसके पीछे उनके क्या मंशा रही होगी, क्या चिट्टे की सप्लाई को करने के पीछे इन लड़कों की संलिप्तता तो नहीं है। बाद में बग्गी पेट्रोल पंप के पास से उसे पूरी रात बंधक बनाने के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे और भी लोग हैं, पुलिस इन सब पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर करण गुलेरिया ने करते हुए बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए बारीकी से हर पहलू की जांच कर रही है। जैसा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसमें कि कुछ लड़के इन्वॉल्व थे, तो उसमें हमने बल थाना के अंतर्गत हमने FIR रजिस्टर की है, मुकदमा नंबर 215/19, जिसमें कि हमने IPC की धाराएं 356, 382, 342, 34 IPC और 506 IPC, जिसके अंतर्गत हमने मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे के अंतर्गत हमने 3 लड़कों को अरेस्ट किया है और शीघ्र ही हमारी जांच चल रही है और शीघ्र ही हम इस बात का खुलासा कर देंगे कि ये वीडियो जो था इसकी सच्चाई क्या है।